अरे 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 लोकेश 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 क्या पीछे इसमें ना सीधा ही दिखा रहा है मैप में तो। हाय फ्रॉम बीकानेर। हेलो फ्रॉम बीकानेर। हेलो बीकानेर। तो अभी निकलने वाले हम सैम ड्यून्स के लिए। मैं तो कह रहा था जैसलमेर रुकते हैं, बट सबका इरादा था कि ड्यून्स में जाकर से आगे है क्या सैम ड्यून्स? हाँ थोड़ा सा आगे चल के उधर ही जाएंगे। चलो एक स्टार में 4x4 लगा दो अपनी वीडियो में। भाई मैंने बोल दिया तो 30 किलोमीटर का ही डिफरेंस है, बट कैंप वाला मजा ले। भाई मैं चाहता हूं मेरी गाड़ी रेगिस्तान में जाए 4x4 करे। हां वो देखने वाली चीज है ना कि देखते हैं 4x4 वो देखते हैं कि वो कितनी घुस पाती है। मेरे ख्याल से इतने जाएगी मैं से यहाँ से यहाँ तक जितनी भी जाए बाकी जितनी आगे गई ना कैंप तक तो चली जाएगी। मैंने देखा कैंप तक कैंप में तो जाती है, वहाँ तो दबी रहती है मिट्टी, पानी पूनी डालते रहते हैं। कैंप तक चली जाए बस, वहाँ से ड्रोन उड़ा ले और हमारा सपना पूरा। चले भाई चलो भाई। तो ये अपना रूम है, अभी दिखा रहा हूँ, रात को थोड़ा सा बस बिजी थे इसलिए नहीं दिखा पाया। ये एक रूम है, बाहर निकलते हैं तो कुछ यहाँ पे सोफा सेट वगैरह दिखाई देता है और फिर यहाँ पे एक बेड और डला हुआ है, दो बाथरूम है अटैच, टीवी एक यहाँ लगा हुआ है, एक वहाँ लगा हुआ है और ये कवर्ड एरिया हो गया। सो इसको सूट बोलते हैं, इस पर हम चार बंदे ना एडजस्ट हो गए, एक ही साथ है ना बात भी कर सकते हैं, इंटरेक्शन बनी रहती है, तो यहाँ पे रुकने का ज़्यादा बेनिफिट लगता है हमें एज कम्पेयर टू दो रूम लेते हैं अलग अलग रहते हैं, फिर कटआउट हो जाता है एक तरह से, बातें चलती रहती है रात भर, मस्तियाँ चलती रहती है भाई रात भर। तो तेरी सिर्फ एडिटिंग ही चली है भाई, ये एडिटिंग तो चलती रहती है भाई, यूट्यूबर का काम ही यही है, एडिट करना एडिट करना एडिट करना, वीडियो डालना एडिट करना वीडियो डालना और बनाना भी। चलो यार भाई लेट हो रहा है मेरे कारण, तो मैं जल्दी चलता हूँ। सो टाइम टू से बाय। काफ़ी सब्सक्राइबर आए थे प्रभजोत के, एक दो मेरे भी थे, ज़्यादा नहीं थे एक दो ही थे। आई थिंक मुझे गूगल मैप लगाना पड़ेगा आगे चल के, पता नहीं गूगल कहाँ मार्केट में से लेके आ गया यार, मार्केट में नहीं आना था, मैं बार बार से निकाल लेता कहीं से। अब मैंने बाइक मोड डाल रखा है मे भी, इसलिए वो इधर से दिखा रहा है, कार मोड में नहीं दिखाता। बट प्रभजोत पीछे है पीछे। सो ये समझ रहा था जट प्रभजोत मैं हूँ, ना ना बस ये लगा हल्का सा जैसलमेर। तो अभी दो मिनट रुकना पड़ेगा, सब्सक्राइबर ने घेर लिया जट प्रभजोत को, एक तो मुझे ही जट प्रभजोत समझ रहा था। पानी भी भरा, बारिश आई थी कि या नहीं? बारिश वाला पानी तो नहीं है ये, क्योंकि बारिश तो आई नहीं, बादल थे ही नहीं यहाँ पे बीकानेर के आसपास में। और रात को भी देखा था बारिश का कोई सीन नहीं था, बाहर टेरिस पे भी गए थे हम। और इस मार्केट से निकलवा दे कोई जल्दी से फटाक देने से, भी ऐसा लग रहा है कि नहीं बस निकलो निकलो भागो भागो यहाँ से। अभी फाइनली आ गए ओपन रोड भाई, अब जाने वाले हम सीधा ऐसे हाई स्पीड में। बाकी प्रभजोत का वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया, आ गया आ गया आ गया प्रभजोत ही है ना। हाँ हेलमेट साफ नहीं कर रहा था, ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है कि एग्जैक्टली कौन सी बाइक है। वो भी क्रूज कंट्रोल का मजा ले रहे, तो हम भी क्यों ना ले, हम भी क्रूज कंट्रोल पे लगा के चलते हैं। देखो लॉन्ग ट्रिप में क्रूज कंट्रोल के मजे तो है अनडाउटेडली। अब रोड कुछ ऐसा ही मिलने वाला है हमें, ये फ़ायदा है कि डबल रोड है, सिंगल रोड नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क कम होते हैं कि गाड़ी आगे से आ जाए, ये हो जाए या वो हो जाए, जो भी है तो थोड़ा सा फ़ायदा रहता है, ज़्यादा रिलैक्स कर पाएंगे और ज़्यादा मज़ा ले पाएंगे। बट हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें कम होती जाएगी, फिर जैसलमेर के आसपास थोड़ा सा हो जाता है और फिर और आगे चलेंगे तो वहाँ भी कुछ और कम नज़र आएगा, मतलब मज़ा ही आएगा, कुछ ऐसे अच्छे नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे ज़बरदस्त वाले। ये भाई साइकिलिंग कर रहे हैं। सो पहला टोल टैक्स आया है, बट ऐसे रोड पे तो टोल टैक्स होने भी चाहिए यार, कितना अच्छा मस्त रोड है। वैसे ऐसा मैं कम ही कहता हूँ, बट कहना चाहिए इस रोड को देखते हुए, क्या ज़बरदस्त वाला रोड है। मतलब 130 की स्पीड में ऐसा लग रहा है कि मतलब आप चल ही नहीं रहे, रुक रहे हो, टाइम रुक चुका है, समय रुक गया एकदम से और स्पीड महसूस ही नहीं हो रही है। लाइक आई ऑलवेज से कहना थोड़ा सा कंट्रोल में चलाएं, देख के चलाएं और सेफ रहे रोड पे। जैसलमेर 303 दिखा रहा है, पर हम जैसे कि बताया था कि जैसलमेर से आगे जाने वाले हैं, 343 दिखा रहा है, जैसलमेर से 30 किलोमीटर के अराउंड है, 40 दिखा रहा है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन किंतु परंतु 30 किलोमीटर सैम ड्यून स्टार्ट होता है, उसके बाद हमें थोड़ा सा आगे तक जाना है, क्योंकि जो कैंप साइट हमने देखी है ना वो थोड़ी सी आगे है ऐसा लग रहा है मुझे, बाकी वहाँ जाके पता चल ही जाएगा। टाइम अभी दिखा रहा है कि हम 4:20 तक पहुँच जाएंगे, बट कल की तरह हम जैसे हम चलने वाले हैं तो लेट ही हो जाएगा, 6-7 बज जाएंगे, अगर नहीं थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो पहले पहुँच जाएंगे। GoPro तुम अपने आप को सुधारो, बार बार हैंग मत हो। सबसे बड़ी समस्या GoPro में हैंग होने की, फिर बैटरी निकालो फिर डालो फिर चलो, मतलब कुछ शूट करना एक छोटा सा सीन लेना और हैंग हो जाए, सोच रहे हो आप एंड मोमेंट में हैंग हो जाए, ग्रुप के साथ चल रहे हो तब हैंग हो जाए, तो रुको यार उन सबको तंग करो और फिर GoPro को बैटरी निकालो फिर डालो, मतलब
समझ रहे हो, हम तो दोस्त हैं यार, तो समझ जाते हैं, बट ग्रुप में चलते हैं तब बहुत दिक्कत आती है। बाकी आज का वेदर काफी प्लेजेंट है, धूप थोड़ी चुप तो रही है बट मुझे सही लग रहा है, हवा ठंडी ही है। आज अंदर से मैंने वार्मर भी नहीं पहना, मुझे नहीं लगता कि मुझे पहनने की जरूरत भी पड़ेगी। और वैसे अभी पोखरण से हम 90 किलोमीटर के अराउंड होंगे, पोखरण पे हमें लोकेश ज्वाइन करने वाला है, फिर वो हमारे साथ चलने वाला है। रोड बिल्कुल मक्खन है, 148 किलोमीटर के अराउंड हमने कवर कर लिया अपने होटल से। थोड़ा सा सिटी में तो दिक्कत आई, जैसे बताया था कि मार्केट एरिया में घुस गए थे, उसके बाद जैसे हमने हाईवे टच किया उसके बाद तो क्या मक्खन रोड है, मज़ा आ गया। मतलब चलाना यहाँ पे गजब यार, अलग ही मजा है यहाँ पे। ये गूगल नहीं पता येलो लाइन दिखा रहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक, मुझे तो कहाँ कोई ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा है, कहाँ से ट्रैफिक दिखा रहा है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का सबसे ज्यादा बेनिफिट है, मतलब मजा ऐसे मोज लो, आराम से रिलैक्स होके हैंडल बार को पकड़ लो, और मतलब वो है ना पुल, और वो कुछ नहीं करना है, अपने आप चलेगी बाइक बढ़िया अच्छे मस्त तरीके से। ये तीसरा टोल टैक्स आ रहा है, वैसे बाइक है तो आराम से निकल जाती है, ना हमें टैक्स देना पड़ता है। अभी ब्रेक लिया छोटा सा, एक फैमिली मिली थी, उन्होंने हमारे लिए अच्छी अच्छी ट्रीट मिली, हमें तो ना कचौड़ी खाई, मज़ा आ गया ना खा पी के। और अभी वो फोटो क्लिक कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि कहाँ पे स्टॉपेज लेंगे, क्योंकि यहाँ से बच गया 250 किलोमीटर बचा, 3.5 घंटे का रास्ता है। भाई मैं तो कह रहा हूँ आगे जा सकते हैं कहीं, नहीं उससे आगे कुछ नहीं है, उससे आगे कल है, उससे आगे कल भी जा सकते हैं, काफी लॉन्ग है, काफी लॉन्ग है। सो अभी एक सरप्राइज मिलने वाला है आपको जल्दी। सो सरप्राइज ये है, लोकेश इज हियर, बढ़िया बढ़िया। और क्या हाल है? अच्छा ये बीच में से मिल जाता है कहीं है? लोकेश चला रहा है अपनी KTM 390 एडवेंचर, और उसने एक लोकेशन बताई है कि वहाँ पे चलना चाहिए हमें, तो पता नहीं हम जा रहे हैं नहीं जा रहे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। मैं बाइक पे आगे बैठ गया था क्योंकि है ना काफ़ी क्राउड गैदर हो गया था वहाँ पे, तो अट्रैक्शन तो होती जा रहा है ऐसी बाइकें, इतनी बड़ी ADV बाइकें वगैरह देखते हैं, स्पेशली BMW की, तो थोड़ा सा हो जाता है, अटेंशन ग्रैब करती है। तो हम जल्दी से निकल लिए, अगर उसने मैप लगाया हुआ क्या पता हम उधर जाएँ, तो थोड़ा बहुत हमें थोड़ा सा डी टूर करना पड़ेगा, पता नहीं एग्जैक्टली कितना डी टूर करना पड़ेगा। अभी विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, अब लगता है कि विंड स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी लगनी चाहिए। सो मुझे कमेंट करके बताइए कि विंड स्क्रीन से आपसे कोई इशू तो नहीं है अगर मैं विंड स्क्रीन ब्रेंड लगाता हूँ, क्योंकि सभी कह रहे हैं यार दोस्त कह रहे हैं कि विंड स्क्रीन थोड़ी बड़ी लगा लो। फ़ायदे हैं नुकसान है दोनों है, पर देखी जाएगी, सोच रहा हूँ कि लगवा लूँ। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं चाहते तो भी कमेंट करिए कि नहीं लगवानी है, क्योंकि यहाँ से ना काफ़ी कुछ है ना कवर हो जाता है, जिससे कि आगे का एंगल थोड़ा सा इतना क्लियर दिखाई नहीं देता है। सो पक्का मुझे कमेंट करके बताइए। अरे 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 लोकेश क्या कर रहा है? अच्छा मस्ती में घुसाया इसके अंदर, ओहो ये भी अपनी मस्ती है ऑफ रोडिंग के लिए, साइड में ले लेते हैं, वो फिर ले लिए, ओहो ऑफ रोड करता आ रहा है, बट थोड़ा बिट रिस्की है, मैं समझाना पड़ेगा कि इतना रिस्क मत ले भाई, आगे कोई पत्थर पुथर आ जाए, पेड़ आ जाए, और चढ़ने के लिए जगह ना हो, गिर सकते हो, स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हाई है अपनी। अभी हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक, लोकेश को लंच करना था, क्योंकि ये अब जो इनके इसने लंच इसने हमारे साथ किया नहीं, हमने कर रखा था। अभी एक यहाँ पास में एक सोल्ड लेक है, वहाँ जाने वाला, जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर बता रहे हैं, तो देखते हैं कैसा रहने वाला है। जयपुर वाली सोल्ड लेक तो देखे नहीं, पोखरण वाली देख लेते हैं। घूम फिर के कहाँ आ गए पता नहीं, यहाँ पे गांव ही गांव नज़र आ रहे हैं, राजस्थान के टिपिकल गांव, और अभी यहाँ से किलोमीटर दिखा रहा है क्या। सो अभी मैं फ़ोन पे भी बात कर रहा हूँ लोकेश से, तो लोकेश कह रहा है क्या टिपिकल कर रहे हो, टिपिकल थोड़ी ना है, डिफ़िकल्ट वाले गाँव है, ये कह रहा है। यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहा है, 9 मिनट तो रोड ऐसा ही रहने वाला है, इससे बेकार ना हो जाए बस। क्या पीछे इसमें सीधा ही दिखा रहा है मैप में, तो मैप के अकॉर्डिंग हम पहुंच गए हैं, मैं पहुंच गया हूं, बाकी तो पीछे आ रहे हैं, और मुझे तो यहाँ कुछ नज़र आ नहीं रहा है, रास्ता नज़र आ रहा है, ठीक ठाक सा रोड है, ऐसा नहीं हो सकता कुछ कच्चा रास्ता आना चाहिए तब तक, बट नहीं आया, बट बाकियों का वेट करता हूं, उनको आने देता हूं, और उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर सर्च जारी होगी। सो कुछ ये ट्रेल से लग रही है कि इधर से कुछ रास्ता बनता है, पता नहीं एग्जैक्टली बनता भी है नहीं बनता, पर देखते हैं चल के। तो सामने कुछ नज़र आ रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि हाँ सोल्ड सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हल्का हल्का, आगे 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 देखो वो रहा सोल्ड ज़्यादा, फाइनली हमें मिल गई है। अब एग्जैक्टली कैसी होती है, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, वैसे फर्स्ट टाइम कैसे हो सकता है कि हम रन ऑफ कच भी गए थे, वहाँ पे सोल्ड लेक है, वो मज़ा आ गया यार, मज़ा मस्त है। सामर लेक भी ऐसी है, सेम ज़्यादा अच्छी है।
तो यार ये तो कह रहे इससे ज्यादा अच्छी है और मुझे लेके नहीं गए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं चला जाऊंगा। वो उधर देखो ना, उधर ज्यादा वाइट लग रहा है। ओह वाइट वाइट होती जा रही है ये। तो काफ़ी देर यहाँ पे मस्ती करी, अब टाइम हो गया निकलने के लिए। ड्रोन फ्लाई किया, ड्रोन शॉट लिए, आपने देखे ही होंगे, मज़ा आया होगा तो ना लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले। और भी टाइम टू गो, एक दो फोटो और क्लिक करते हैं, निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको कहीं और। लोकेश की बाइक में कुछ इशू आ गया था, फ्यूज़ उड़ गया था शायद। अभी रुकेंगे तो पूछेंगे, जब आपसे बात कराएंगे एक्चुअली में क्या दिक्कत आई थी वो बताते हैं आपको। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं वापसी की तरफ। सामने में पानी नजर आ रहा है, देखो भाई फिर गाड़ी फंसा दी है भाई। क्या मन में क्या आ रहा है भाई तेरे? बड़ा तेले फंसाइए गाड़ी। अच्छा मैं निकलवाऊंगा इसको। हाँ। तेले वाला कंटेंट भाई ऐसा मत करना, जैसलमेर भी जाना है आज भाई। अगला गिरना बाजी के सामने तो आके ले जाओ। पीछे से तेरा, अरे ये शीशा वाला, शीशा ये वाला देखो भाई ये क्या कर दिया इसने, समझ में नहीं आ रहा। जैक लगाना भी नहीं आता भाई तुझे तो। जैक तो ढंग से लगा लिया कर। इतनी गंद फैलाने के बाद है ना फाइनली गाड़ी निकल चुकी है, किसी ना किसी तरीके से हमने निकाल दी है। अब काफी लेट हो गया है, अब सीधा जैसलमेर से सैम ड्यून जाना है और यहाँ से लगने वाला है ऐसे 2 घंटा 2.5 घंटा लगने वाला है। जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। अभी फिर से हम मेन हाईवे पे आ चुके हैं जो सीधा जैसलमेर की तरफ जाता है, और जैसलमेर से हमने 30-40 किलोमीटर आगे जाना है। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा जैसलमेर, मुझे यहाँ से आइडिया नहीं है कितना है क्योंकि मैप अभी बंद कर चुका हूँ। सीधा सीधा रोड है तो कोई मैप चलाने की जरूरत मुझे लग नहीं रही है। सन ऑलमोस्ट सेट हो गया, काफी खूबसूरत लग रहा है। आप जैसे कि आउट जहाँ पे पॉपुलेशन कम रहती है, पोल्यूशन का लेवल काफी कम रहता है, वहाँ आपको सूरज काफी क्लियर देखने के लिए मिलता है। होपफुली आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे नीचे चला गया एकदम से। और यहाँ पे मैंने ना फोटो ली थी, यहाँ पे नहीं मतलब थोड़ा पीछे ली थी फोटो, और काफी शानदार फोटो आई, मजा आ गया फोटो में। जो कल वाली कमी थी ना आज वो पूरी कर दी मैंने। फ्यूल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फुल करा लेते हैं, ऑलमोस्ट रिजर्व में लग गई थी। सो फ्यूल आया 1700 रुपये का जी हाँ। और अभी निकलेंगे सैम ड्यून्स के लिए। जैसलमेर में एंटर हम हो गए थे, पहले एक पेट्रोल पंप आया, इसे फ्यूल अप किया और हम निकलते हैं। देर से वेट कर रहा था कि बाहर जो म्यूजिक चल रहा है, जो भी गाना गाना चल रहा है वो बंद हो जाए, जब आपको रूम टूर देता है, रूम टूर या टेंट टूर जो जैसा बोलना चाहे, बट वो बंद नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। सो ये अपना बेड है, एक एक्स्ट्रा बेड है, 3 पर्सन के लिए हो जाता है। बाकी ये बाथरूम है, यहाँ पे मार्बल का काम कराया गया है, वैसे ना परमानेंट सा बना रखा है। बाकी अगर बाहर निकलते हैं, लोबी सी क्रिएट कर रखी है बैठने के लिए। भाई कैसे लगा पहले बताओ भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मेरे को दुबई की याद आ गई अपने। दुबई में? अच्छा कहाँ पे? वहाँ दुबई में जहाँ पे सवारी करने गया था। आपने करा था वहाँ? नहीं करा था। मैंने तो करा था भाई। हम तो वहाँ गए वापस शाम को। मैंने तो स्टे करा था भाई के साथ था। सेम ऐसा ही होगा, सेम ऐसा ही है। चलो ऐसा कुछ हमें लगा, अगर आपको पसंद है तो टेंट में कभी आ रहा भाई। दुबई जाने का कोई फायदा नहीं है, अगर डैश वाड़ी करने जा रहा तो यहाँ कर लो। वहाँ पे वो देखनी है गाड़ी कौन सी, लैंड क्रूजर, उसमें जा रहा तो फिर वहाँ जा सकते हो।